गुरु माँ जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटे। आपको आज बात हो गई, वो तो अपने आपको भाग्यशाली मानता हूँ जी। मैं कहाँ से बोल रहे हैं बेटे? आसाम से बोल रहा हूँ जी, दुधनई जगह है ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, आसाम अच्छा, जी। और प्रश्न करें बेटे आपका। जी वैसे तो माता जी, वो आपका जैसे वो मतलब मेरे जो मामी जी हैं और मामा जी हैं, आपसे बात की होंगी बीच में, मोतीलाल जी शर्मा और सरिता शर्मा जी। जी हाँ, जी जी उन्होंने मतलब आपका मतलब वैसे बताया था, तो मैंने उनसे ही मतलब बोला कि माता जी से ऐसे करके कंसल्ट करना, तो मैंने फिर मिलाया था जी। तो अच्छा अच्छा माता जी, मेरे प्रश्न तो ये था कि सबसे पहले तो मेरा कोई काम नहीं होता है, मेरे तो एक काम कुछ करने जाऊं तो नुकसान होके बस बहुत बस ज्यादा कर्जा भी बस चढ़ गया। बस बस बेटा, आपके मन में अशांति और भ्रांति दोनों विद्यमान हो गए हैं, जी जिसके माता कारण आप अपने जीवन में सटीक निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। जी, बिल्कुल माता जी। और जब हम अपने ही भविष्य के बारे में सटीक निर्णय लेना चाहें और उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसका कारण होता है, जी और माता जी, उसका कारण कहीं और बाहर से उत्पन्न नहीं होता, हमारे भाग्य चक्र से और हमारे प्रारब्ध का ही भोग काल जी माता जी, इस जन्म में भोगते हैं। प्रत्येक मनुष्य प्रारब्ध का ही भोग काल भोगता है मेरे बेटे। प्रारब्ध के भोग काल के कारण ही सुख प्राप्त होता है, प्रारब्ध के भोग काल के कारण ही दुख प्राप्त होता है। जी माता जी, किंतु आपका जीवन तो शुरू से ही कष्टकारी रहा है, कष्टमय रहा है। जी माता, आप शून्य से अब तक के शिखर को जो प्राप्त किए हैं, वो अकेले ही संघर्ष कर करके किए हैं। जी माता जी, बहुत अच्छा केवल ये रहा है कि आपकी बुद्धि स्थिर रही है और जी आप विद्वानता को प्राप्त किए हैं, जी माता जी, यानी एजुकेशन में आपका अच्छा वर्चस्व रहा। कारणवश 10th में गड़बड़ कर दी है आपने। जी थोड़ा 10th में ही दिक्कत हुई थी जी। हाँ, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए मैंने बोली बेटे कि आप है ना, जी मैं जो बोलूँ जी वो सत्य है या नहीं आपको ये बतानी है। बिल्कुल सत्य माता जी, जो जो अभी तक आपने बताया बिल्कुल सत्य। हाँ, और रही बात ये है कि आप अपनी बुद्धि से चलते हैं तो सफल होते हैं, और दूसरों की बुद्धि से चलते हैं तो आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपको स्वार्थी लोग ज्यादा प्राप्त होते हैं। जी माता जी, आपकी जितनी भी संगत रही है वो पूरे टोटल स्वार्थी रही है, स्कूल कॉलेज लाइफ से लेकर के जी माता जी, बेटे। जबकि आप इतने चालाक, इतने होशियार व्यक्ति हैं कि आप किसी के भी ऊपर जल्दी से भरोसा नहीं करते, जी माता जी, बड़ा सोच विचार के लंबे समय तक साथ रह करके उसको खूब परख लेने के बाद आप निर्णय लेते कि हाँ आप मेरे मित्र बनने योग्य हो, लेकिन वो मित्र भी फिर कुछ समय बाद आपकी भावनाओं से खिलवाड़ कर देता है और छल कर देता है आपसे। जी माता जी, ऐसा तो है ही हाँ, बिल्कुल। और जिसे आपने हृदय से चाहा, मन क्रम वचन से समर्पण भाव से रहा, उसने भी आपको धोखा दिया जी माता जी, दिया कि नहीं, दिया दिया बिल्कुल दिया माता जी, जिसके कारण इतना क्रोध आ रहा है कि अब ना घर के लोग अच्छे लग रहे हैं ना बाहर के लोग अच्छे लग रहे हैं, मतलब क्रोध ही क्रोध उत्पन्न हो रहा है, जी माता और जी, वो उस क्रोध के नशे में आकर के पूरा धन हानि हो रही है, कर्ज की नौबत आ गई है मेरे बेटे आपके जीवन में। बहुत बहुत माता जी, एकदम मेरे एकदम बहुत बड़ी समस्या होगी एकदम। हाँ, और आज प्रतिष्ठा में भी आपकी हानि हो रही है, सम्मान प्रतिष्ठा में बिल्कुल हानि, स्वास्थ्य में भी आपकी हानि हो रही है, मनोस्थिति स्थिर नहीं है, लक्ष्मी की भी प्राप्ति होने में दिक्कत जा रही है, मतलब गिरावट के चारों तरफ से रास्ते खुल गए हैं, मतलब अज्ञान रूपी अंधकार के वशीभूत आपका जीवन होते चला जा रहा है, जी माता जी, और फिर भी आप चलते फिरते भगवान की आराधना करते हैं, माता रानी की आराधना, शिव की आराधना करते हैं।
उनकी कृपा से ही आपको आज माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या का सानिध्य प्राप्त हुआ। आपने अभी कष्ट भोगा, ये प्रारब्ध का भोग काल है, दुष्कर्मों का भोग काल, लेकिन अब जो सुख प्राप्त होगा वह प्रारब्ध का ही शुभ फल का परिणाम जागृत अवस्था में आ रहा है, तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो कैसे होगी सुख की जी प्राप्ति? आप माता जी, भोलेनाथ की शरण में होंगे, माता बिल्कुल रानी आज की शरण में होंगे, जिन जी धन माता के लिए, जिस धन के लिए पूरा मानव मात्र आतुर है, व्याकुल है, और वही धन की प्राप्ति के लिए भगवान कुबेर की आराधना करते हैं, लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं। जी माता कुछ जी मनुष्य केवल लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो प्रसन्न होकर के मैया आ तो जाती हैं, पर उल्लू में बैठ के आती हैं। जी माता जी आपसे मेहनत भी करवा लेंगी, मेहनत किए आपने और मैया की कृपा से धन भी अर्जन हो गया, धन लक्ष्मी आ गई और तिजोरी में भी आ गई और उल्लू बना दी आपको, और जाने के भी पैर बना लेती, इसके देना उसके देना, आई और इधर गई। तो यही, बिल्कुल बिल्कुल माता जी तो जब आप कुबेर महाराज को माँ बगलामुखी देवी की कृपा से प्राप्त करना चाहेंगे, तब माँ बगलामुखी देवी आपके आय के स्रोत खोलेंगी, आपके जो मनोस्थिति में बंद अकल में जो ताला लग गया है ना, उसको खोलेंगी, ज्ञान रूपी चाबी से गुरु खोलेगा उसको, फिर जी गुरु मार्ग से आप अपने जीवन में दिव्य प्रकाश को, परम प्रकाश को प्राप्त करके अपने जीवन को ऐसे जगमगाते रहेंगे जैसे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जन अपने जीवन को दिव्य प्रकाशित करते हुए दूसरों को भी प्रकाश बांटते हुए, दूसरों को भी ज्ञान बांटते हुए, दूसरों को भी धन बांटते हुए और आनंदमय जीवन जीते हैं। जी माता जी तो आपके जीवन में मैया की कृपा होनी चाहिए, बगलामुखी देवी की कृपा, और भगवान जी शिव की कृपा से ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कुबेर महाराज जी भी माँ बगलामुखी देवी की आराधना करते हैं और जी उनसे नित्य नया श्री यश कीर्ति प्राप्ति के लिए नया धन प्राप्त करते हैं, उनसे प्राप्त करके उनकी भक्ति से, माँ बगलामुखी देवी की भक्ति से धन प्राप्त करके संपूर्ण जनमानस को वितरण करते हैं, बांटते हैं और उनसे धन्यवाद यश कीर्ति प्राप्त करते हैं। तो जो जी कुबेर महाराज स्वयं माँ बगलामुखी की आराधना करते हैं, तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल माता जी, करना चाहिए। अच्छा बिल्कुल जी बिल्कुल माता जी करना चाहिए। हाँ, मैं तो हमारे जो यहाँ पे कामाख्या माता जी है, उनके माँ बगलामुखी जी का मंदिर भी है, मैं वहाँ पर भी जाता हूँ रेगुलरली अच्छा, जी। तो फिर वहां आप, अच्छी बात है जाना मैया के दरबार में। जी माता जी, दर्शन करने के लिए हिसाब से अच्छा, जाते हैं मतलब कामाख्या मंदिर। जी, कामाख्या मंदिर अच्छा, तो बढ़िया, माता जी के दर्शन लाभ लेते रहिए और माँ कामाख्या की कृपा से ही आपको मैया का सानिध्य प्राप्त हुआ, बोलने बताने वाले गुरु प्राप्त हो रहे, दीक्षा लेकर के मैया की आराधना करें। काम बीज रूपणी कामाख्या है, जो काम पर विजय दिलाने वाली होती है, काम माने इंद्रियों वाला काम भी, कर्म इंद्रियों वाला काम भी, संसार को के मन को जीतने वाला काम, मतलब काम पे विजय दिलाने वाली है मैया, जी माता जी लेकिन उनके अनन्य रूप है कामाख्या देवी के, तो कौन से भक्त को किस रूप की जरूरत है तो वो प्राप्त करा देती हैं। जैसे आपको आपको धन की भी जरूरत है, मुझे अब माता जी आपको समाज में सम्मान प्रतिष्ठा की भी जरूरत है, जी माता जी आपको अपने शरीर में निरोगी काया प्राप्ति की जरूरत है, जी माता जी और मान सम्मान रहित जीवन जीने की, और राजयोग राजा महाराजाओं जैसा भोग काल भोगने की भी जरूरत है। तो ये सर्व सुख प्राप्त कराती है माँ ब्रह्मास्त्र विद्या, लेकिन सदगुरु के अच्छा शरण लेकर के जब करेंगे आराधना तब ये सब प्राप्त होगा मेरे बेटे। माता हाँ, और आपके जीवन में तो वैसे भी पितृ दोष है ही, पितृ दोष के कारण आपके जीवन में हानि हानि हो रही है, क्रोध भी उत्पन्न हो रहा है, अपनों का प्रेम नहीं मिल पा रहा है, अपने जो मिले तो वो भी दूर हो जा रहे हैं, जी माता जी, तो तो ये पितृ दोष का कारण है बेटे। माता जी इसका उपाय सूर्य क्या जाप, करें सूर्य जाप करवावे आप, जी माता जी? सूर्य जाप करावे अच्छा, और माणिक धारण करें आप बेटे। सूर्य जाप करके माणिक धारण। हाँ, माणिक धारण करें, अच्छा अच्छा माता जी, जी हाँ सूर्य जाप करावे, और चंद्रमा भी आपका जो है नीच का बैठ गया है, जिस कारण से जीवन में आप अपने सुख के लिए सटीक निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, जहाँ
इसका कारण यह है कि जहां आपको लाभ होना है वहां आप कायरता बरत जाते हैं, और जहां आपको लाभ नहीं होना वहां पर मेहनत करते हैं, ये चंद्रमा करा देता है। जी तो माता भगवान शिव को चांदी का चंद्रमा भेंट करे सोमवार के दिन। जी, हाँ, चांदी का चंद्रमा शिवलिंग पर हो तो चिपकाने की व्यवस्था हो तो चिपका के भी आ जाए कुछ कुछ से। हाँ, अच्छा अच्छा माता जी, भगवान शिव को चांदी का चंद्रमा अर्पित करें और सूर्य जाप करावे, माणिक जी धारण माता, करें, लाभ होगा, और दीक्षा लेकर के मैया की आराधना करें। ठीक है बेटे? अच्छा माता जी। हाँ अच्छा एक बात और माता जी, मेरे अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, एक पार्टनर था जिसके पास मेरे मतलब पैसे फंस गए, जिसकी हाँ वजह से ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो उससे पैसे निकलवाने का क्या करें माता जी? मतलब वो, उसके भी बहुत तकलीफ हो रही है लाइफ में, वो भी मतलब कर नहीं पा रहा, लेकिन अब पैसे नहीं निकल रहे माता जी, बात ये है, और मेरा कर्जा चढ़ता ही जा रहा है, तो दिक्कत ये आ रही थी फिलहाल तो माता जी। कहीं से भी मतलब ऐसा है कि कहीं से भी पैसे आओ तो मैं अपने ऊपर तो कुछ नहीं, लेकिन कर्जा चुका दूं ताकि मुझे आधी शांति तो मिल जाए, वो चीज की बात है माता जी। उसका कोई कर्ज आप मुझे उपाय बताइए कुछ, ताकि मैं, से मुक्ति के लिए, कुबेर की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको दीक्षा लेकर के ही तो आराधना करनी होगी। तो आपको आय के स्रोत में वृद्धि होगी, मार्ग खुलेंगे आपके आय के, व्यापार में वृद्धि होगी ना मेरे बेटे। अन्य अच्छा तो माता जी कैसे ये दीक्षा? व्यक्ति जो आपका पार्टनर है वो शत्रु बन गया है, तो शत्रुओं से मित्रता के भाव कैसे स्थापित हो, उससे जी हमको माता जी, कैसे निपटना है ना। जी माता जी, दिख भी रहा है कि हमारा शत्रु भी खुद ही परेशान है, और वो जी मित्रता के भाव बना करके और हमसे मित्रता के भाव रख करके और हमारे साथ पार्टनरशिप में बिजनेस किया, और अब अभी मुकर रहा है, तो उसकी शत्रु बुद्धि पुनः मित्रता में परिवर्तित हुए और आपको लाभ मिले। तो बगलामुखी देवी की दीक्षा लेकर के या फिर बगलामुखी अनुष्ठान में खर्च लंबे आते हैं बेटे। माता जी, हाँ, बगलामुखी अनुष्ठान में लंबा खर्च बन जाता है, इसीलिए आप अच्छा स्वयं दीक्षा लेकर के स्वयं आराधना करें, सब ठीक होगा।